गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पंचमढ़ी के दूसरे दिन में आपका स्वागत है भाई। हम कर रहे हैं चेकआउट, क्योंकि ये जो देवदारू बंगलोस की जो प्रॉपर्टी थी ना, वो हमें एक नाइट के लिए मिली थी, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि 4000 के अंदर रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडिंग था, तो लेट्स गो। वैसे एक बात बोलो यार, ये जो प्लेस है ना, शानदार थी, वो रेस्टोरेंट है, गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, फ्रेंड्स, बनाना पोवा ऑल टाइम फेवरेट, सांभा, इडली, चाय। तो आज हमारे संकट मोचक आ गए हैं अहमद भाई 277, और अभी हमें ले जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, जहाँ पे हम चेक इन करेंगे और उसके बाद हम जाने वाले हैं परमिट लगाने के लिए, क्योंकि पहले फॉरेस्ट की परमिट लेनी पड़ती है। तो यहाँ से हम जाएंगे मिस्ट्री मीडो, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हम नाइट स्टे करने वाले हैं। और यहाँ से हमें फॉरेस्ट की परमिट लेनी है, वो परमिट देंगे फिर ही हम बाकी के प्लेसेस एक्सप्लोर कर पाएंगे, हमारी गाड़ी भी तभी जा पाएगी। वाइसन लॉज, यहाँ से आपको मिलेगी परमिट, और मैंने जो स्तंभ दिखा है उससे जस्ट ही आगे है, तो भाई अब वाइसन लॉज है। और यहाँ से हमने 2000 रुपये दिए टैक्सी के, यानी कि जो जीप है उसके 2000 रुपये दिए, और यहाँ से हमने 1210 रुपये की टिकट लिए, ये परमिट मिली है, इसमें हमें गाइड भी अलॉट हुआ है और ये परमिट भी मिली है फॉरेस्ट की। तो कमल भाई जो हमारे गाइड है, उसने कहा कि ये बाइसन लॉज है, ये बाइसन लॉज जहाँ से हमने परमिट ली, वहाँ पे एक अच्छा म्यूजियम है, तो आप पहले वो देख लीजिए फिर आप चेक इन कर लेना होटल में। मैंने कहा चलो लेट्स गो, देखते म्यूजियम कैसा है। इस पॉइंट को वाइसन लॉज कहा गया है, ये 19 अक्टूबर 1981 में बना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वाइसन है 3500। अच्छा, इसको वाइसन बोलते हैं? हाँ, गौर। अच्छा, गौर मतलब ये जंगली भैंसा भी बोल सकते हैं? जंगली भैंसा ही बोल सकते हैं। धूपगढ़ में कभी कभी देखने को मिलता है। अच्छा, अभी भी देखने को मिलता है? हाँ, धूपगढ़ में कल भी देखा था। अच्छा, डेली आ रहा अभी तो। पंचमढ़ी लेक, वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था भाई। ये स्टोन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, कॉन्ग्लोमीटर, बलुआ पत्थर, ये मैंने कहा था ना राजस्थान के वीडियो में, जैसलमेर के वीडियो में कहा था, बेसाल्ट, क्वाइट स्वाइट, ऐसे पत्थर के सब पैटर्न्स है अलग अलग। ये सातपुड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है, मतलब ये बहुत बड़ा जंगल है मध्य प्रदेश का, उसमें ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। म्यूजियम में से हमने ये लिया है सातपुड़ा किचन, क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो उसके एक मेमोरी हम जरूर लेते हैं, और ज्यादातर किचन ही होता है, तो ये किचन हमने लिया है 45 रुपीज। तो अभी हम आए हैं पंचमढ़ी टाउन के अंदर मिस्ट्री मीडो, आज की नाइट यहाँ पे है मिस्ट्री मीडो, और है मिडल ऑफ द टाउन। तो हमने यहाँ पे 3000 रुपये पे कर दिए, अब जा रहे हैं रूम में, और ये रूम नंबर हमें अलॉट हुआ है 102। एंटर फॉर दी क्लीन बाथरूम, और ये सीटिंग एरिया, और ये बेड, वाह, और यहाँ से ओपन व्यू, क्या नज़ारा है भाई, A1। तो पंचमढ़ी में सेकेंड डे में यहाँ पे स्टे के बाद हम जा रहे हैं B4, जो यहाँ से होगा 5 किलोमीटर, लेट्स गो। अंदर सिर्फ जीप से अलावे, अगर आप बाइक लेकर आते हो तो आपको यहाँ पे पार्क कर देनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ से चलते चलते जाना पड़ेगा 1 से 1.5-2 किलोमीटर। लेकिन अगर आप ये परमिट लेकर जीप आते हो तो ये जीप अंदर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और हम पहुँच गए B4 भाई, वहाँ से मतलब जो चेक पोस्ट मैंने दिखाई थी वहाँ से 1.5 किलोमीटर नहीं है, 2.5 से 3 किलोमीटर है, और भाई एकदम स्लोप वाला रास्ता है, ऊपर से नीचे आए स्लोप वाला रास्ता है, तो आप चलो आ तो जाओगे लेकिन आप जा नहीं पाओगे, बस आपकी खबर जाएगी। तो भाई जीप हायर कर लेना, कोई टेंशन नहीं, और यहाँ से भी नीचे जाना है। और हम ऊपर से आए, और ये है स्मॉल 4, ये B4 नहीं है, स्मॉल 4 है, फिर भी फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है,
व्यू मतलब नज़ारा A1 है भाई। और B4 वहाँ पे है भाई। 10 मिनट से चल रहे हैं, अभी भी 400 मीटर ओवर है और सीढ़ी से जाना है पहले ऊपर और फिर वहाँ से नीचे जाना है, यहाँ नीचे जाना है भाई। इतना नीचे जा रहे हैं ना, लग रहा है कि पाताल लोक में ना चला जाऊँ। ओ बाप रे, और भाई मंजिल उसी को मिलती है जो हिम्मत कभी ना हारे। काउंटडाउन चालू, बीफोल आ गया है। 3, 2, 1 क्या खूबसूरत वाटरफॉल है भाई। और ये 150 फीट से ऊपर से नीचे गिर रहा है। यहाँ पे आप ना भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है भाई। भाई चोर से सावधान तो काफी देख लिया, लेकिन यहाँ पे ना बंदर से सावधान रहना, क्योंकि बंदर काफी है। तो सामान संभाल के रखना। और अभी हम पूरा तो नहीं नहाने वाले, लेकिन पहले फील करते हैं भाई। एकदम ठंडा बोले तो ठंडा ठंडा कूल कूल। वाह बाय बाय बी वाटरफॉल भाई, दिल की प्यास बुझ गई। 2 घंटे का ये प्रोग्राम रहा होगा, अब जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स सी। थका नहीं हो भाई, स्टेमिना बहुत है। और बी फॉल से हम जा रहे हैं वापस। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और अभी बज गए 2 और हम आ गए जयस्तंभ। यू नो व्हाई? नंदनवन रेस्टोरेंट भाई। थोड़ी भूख लगी थी, सोचा चलो थोड़ी पेट पूजा की जाए। लेट्स गो। जयस्तंभ से हम 1 किलोमीटर आए होंगे पैरासेलिंग पॉइंट पर। यहाँ पे छोटी बड़ी एक्टिविटी होती है और ये सब चार्जेस है। जिप लाइन 500, बी गेट वे बैक 500, फिर रॉक क्लाइंबिंग 300। ये सब एक्टिविटी यहाँ पे होती है। अगर आपके पास टाइम है या फिर 5-6 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हो तो यहाँ पे आराम से आके टाइम पास कर सकते हो भाई। और यहाँ से 7 किलोमीटर है रीच गढ़ केव्स। तो लेट्स गो, चलो भैया। और यहाँ पे ना एयरपोर्ट बन रहा है भाई। हम जा रहे हैं रिचगढ़ और उसके रास्ते में ये ना, ये अभी एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ सेलिब्रेट कर लो। और ये आ गया रिचगढ़। चलो भाई स्ट्रगल स्टार्ट। दौड़ो 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 भाई। मैंने देखा है कि लोग है ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं भाई। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, हम तो बहादुर लोग हैं, शादी करके खतरों से खेलते हैं। 15 मिनट का वॉक था और आ गए रिच केव। इस पॉइंट को रिच गढ़ बोलते हैं। एक्चुअल में 2 पहाड़ों के मिलन को रिच कहा गया, किसी चीज के मिलने मिलाने को रिच बोलते हैं। इस स्पॉट पे 4 मूवी का शूटिंग हुआ, तरकीब, अशोका, चक्रव्यूह, धाकड़। अच्छा, तरकीब की भी यहाँ पे हुई थी, अशोका भी? हाँ, मतलब जिसमें शाहरुख खान है, करीना कपूर। अच्छा, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, क्या बात है भाई। तो नीचे तक जाना, वहाँ से गुफा में जाएंगे, वहीं से लेफ्ट टर्न मार के रिटर्न आएंगे। तो ये नेचुरल एसी गुफा है, इसमें जितना नीचे जाएंगे उतना ठंडक प्राप्त होता है। आइए नेचुरल एसी को फील करते हैं। बाहर तो गर्मी थी, अंदर ठंडा लग रहा है। तरकीब मूवी के अंदर वो जो गाना है ना, मेरी आंखों ने चुना है तुझे दुनिया देख के, वो गाना यहाँ पे फिल्माया गया था ये सीन। और करीना कपूर का अशोका मूवी में जो भाई है वो यहाँ पे छुपा था, तो वो 2-3 सीन मुझे याद है। हम वहां से आए और ये अशोका वाले के उस
दो पर्वतों का मिलन, उसे भी रिच बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैं मोबाइल से लाइट करता हूँ, ये जो 15 फुट का आपके उस देख रहे हो ना, तो रिच जो होते हैं ना रिच, वो यहाँ पे बारिश में आ जाते हैं, इसलिए इसे रिचगढ़ भी कहते हैं। अब यहाँ से आगे जाते हैं, रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग मतलब ये 5000 साल पुरानी पेंटिंग है। ये देखो मतलब ये गुफा में आज से 3, 4 या 5 हज़ार साल पहले कोई रहा करता होगा। और भाई यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे जो महादेव हिल्स है, जो पहाड़ी है, जो गुफा है, उसमें जो शैली चित्र पाए गए वो 500 से 800 साल पुराने, और जो इसके बाकी के जो चित्र है ये सब वो 10,000 वर्ष पुराने आके गए भाई, और ये यहाँ की पहाड़ियों में पाए गए हैं। तो अभी बच गए 3, आगे पता नहीं हमें कहाँ जाना है, गाइड लेकर जा रहा है। लेकिन वहाँ पे धूपगढ़ है, वो जो आप देख रहे हो ना लास्ट पॉइंट, वहाँ पे धूपगढ़ है, तो वहाँ पे तो हमें जाना है वो कंफर्म, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं ना हमें भी पता नहीं है। चलो देखते हैं।